ये उस वक्त जब ये पुल बना था 1889 में, उस वक्त ये मिरेकल मौजजा ब्रिज था, क्योंकि ये बगैर पिलर के था और उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम मिसाल मिलते हैं। उस वक्त के लिहाज से ये बहुत बड़ा कारनामा था। ये लैंसडाउन ब्रिज है जो पाकिस्तान बनने से बहुत पहले 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था और ये ट्रेन के लिए था। 1962 में ये ट्रेन जो चलती थी वो पाकिस्तान ने एक नया ब्रिज बनाया अयूब ब्रिज के नाम पे, उस पर ट्रांसफ़र हो गई। फिर ये रोड के ट्रांसपोर्ट के लिए ये मकसद किया गया, लेकिन उसके बाद इसकी हालत जो है अबतर होती गई। कोई तवज्जो नहीं दी गई, कोई बजट नहीं होता था, इसका कलर ख़त्म हो गया, इसके फुटपाथ टोटली तबाह हो गए, इसके पिलर्स मिट्टी और कीचड़ में जकड़े रहते थे, बारिश का पानी महीनों उसके पिलर्स में खड़ा रहता था। उसने इस पुल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह कर दिया। 2012 में फिर एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज में इसको कुछ पैसा मिला मरम्मत के लिए, जिसमें इन्होंने फुटपाथ की जो पुरानी लकड़ी थी अंग्रेज दौर की, वो निकाल के नई लकड़ी लगाई। वो लकड़ी टोटली दो नंबर लकड़ी, चार नंबर लकड़ी थी, वो तबाह हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो इस सूरत हाल को देख के मैंने एक पिटीशन फाइल की थी, कितना अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, एक तारीखी हेरिटेज है, उसकी कोई देखने वाला नहीं है। एक बंदा नहीं था जो इस पे झाड़ू लगाता या कोई सफाई करता। तो वो चार साल फिर 2020 से वो केस चला और वो चार साल बाद, तीन साल बाद उसका डिसीशन आया। तो इस ब्रिज को फिर सिंध हाई कोर्ट में डबल बेंच ने सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के हेरिटेज शोबे को हैंड ओवर किया और उनको कहा है कि आप उस पर प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें। वो दो तीन महीने सफाई चली है, उसके बाद आज अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा मरहला चल रहा है, वो मरम्मत का मरहला है। नई फुटपाथ लगेगी और सारी ग्रिल्स और इसके जो बुर्ज है, इसके चार बुर्ज हैं ब्रिज के, वो सारे अंदर से हमने साफ किए हैं, उसको मरम्मत जारी है, कलरिंग जारी है, उसमें म्यूजियम बनेंगे। उसके बाद आखिरी मरहला जो है वो इसका फिर डेकोरेशन का होगा, जिसमें पुल को पूरी ब्रिज को पेंट होगा, कलर लगेगा और उसके बाद इस पर डेकोरेशन होगी और CCTV वगैरह लगाए जाएंगे और फिर सिक्योरिटी बैठेगी कल्चर डिपार्टमेंट की। और इंशाल्लाह ये पुल इस मरहले के बाद, ये जो दोनों तीनों मरहले हैं, मैं समझता हूँ कि आइंदा 100 साल के लिए महफूज हो जाएगा।